सब्सक्राइब कीजिए ई हिंदी उर्दू चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को हमारे टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, ई हिंदी उर्दू चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि विंडोज़ पीसी में गूगल क्रोम ब्राउज़र में जब भी आप अपना गूगल क्रोम ब्राउज़र जो टैब से क्लोज कर रहे हैं, अगर आप वही टैब में उसको ओपन करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे एक फीचर रहता है दोस्तों गूगल क्रोम ब्राउज़र की सेटिंग्स में ऑन स्टार्टअप पेज पर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंटिन्यू वेयर यू लेफ्ट ऑफ। अगर आपके पास ये फीचर, ये ऑप्शन जो है वर्क नहीं कर रहा है, तो उसको कैसे फिक्स करते हैं हम सीखने वाले हैं। तो इसके लिए मैं आपको डिफरेंट मेथड्स बताऊंगा इसको फिक्स करने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल क्रोम ब्राउज़र की सेटिंग्स में जाके चेक करना है ये जो ऑप्शन है आपके पास इनेबल है या नहीं। अगर इनेबल नहीं है तो सबसे पहले आप इसको जो है इनेबल कीजिए। इनेबल करने के बावजूद अगर आप ये इश्यू फेस कर रहे हैं, तो आप जो है दोस्तों नेक्स्ट मेथड, दूसरे मेथड जो है ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, आप जब भी ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं, अगर आप मल्टीपल विंडोज़ भी यूज़ कर रहे हैं आपके गूगल क्रोम ब्राउज़र के, तो आपको जो है मल्टीपल विंडोज़ में जो है ये जो फीचर है दोस्तों वर्क नहीं करेगा। आपको जो मल्टीपल विंडोज़ आपने ओपन किया है, वो सारे मल्टीपल विंडोज़ को जो है आपको क्लोज करना पड़ेगा, तब जाके आपको जो है दोस्तों ये फीचर वर्क करेगा। अगर आपके पास मल्टीपल विंडो ओपन नहीं है, उसके बावजूद भी अगर आप ये इश्यू फेस कर रहे हैं, तो आप जो है दोस्तों दूसरा मेथड ट्राई कर सकते हैं। दूसरा मेथड बहुत सिंपल है दोस्तों, आपको क्या करना है, आपके गूगल क्रोम ब्राउज़र की जो अपडेट रहता है आपको वो अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के लिए दोस्तों बहुत सिंपल है, थ्री डॉट्स पे क्लिक कीजिए, जाइए हेल्प में और अबाउट गूगल क्रोम में। यहाँ से आप इजीली जो है आपका जो गूगल क्रोम ब्राउज़र जो रहता है उसको आप इजीली अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने के बाद चेक कीजिए, हो सकता है आपका जो इशू है सॉल्व हो जाएगा। इनकेस इससे भी अगर आपका इशू सॉल्व नहीं हो रहा, तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपके गूगल क्रोम ब्राउज़र के जो भी अनयूज्ड वेस्ट एक्सटेंशंस हैं जो आप यूज़ नहीं करते, वो सारे एक्सटेंशंस को जो है आपको रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव करने के लिए थ्री डॉट्स पे क्लिक कीजिए, जाइए मोर टूल्स में, आपको यहाँ पे एक्सटेंशन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए। जितने भी एक्सटेंशंस आपके पास इंस्टॉल्ड हैं आपके ब्राउज़र में, वो सारे यहाँ पे आपको शो करेंगे। आप जो भी अनयूज्ड एक्सटेंशन हैं, वेस्ट एक्सटेंशन हैं जो आप यूज़ नहीं करते हैं, सारे जो एक्सटेंशंस रहते हैं दोस्तों, आप यहां से इजीली रिमूव कीजिए। रिमूव करने के बाद देखिए, हो सकता है आपका जो इशू है सॉल्व हो जाएगा। इन केस इससे भी अगर आपका इशू सॉल्व नहीं हो रहा है, तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपकी गूगल क्रोम ब्राउज़र में जो प्रोफाइल रहती है गूगल क्रोम ब्राउज़र की, उसको जो है न्यू प्रोफाइल वहाँ पर आप ऐड कीजिए। ऐड करने के लिए टॉप राइट साइड में आप थ्री डॉट्स के बाजू के साइड आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यू का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप इजीली आपके ब्राउज़र के लिए न्यू प्रोफाइल जो है ऐड कर सकते हैं। ऐड कीजिए और चेक कीजिए, हो सकता है इससे भी आपका जो इशू है सॉल्व हो जाएगा। इन केस इससे भी अगर आपका इशू सॉल्व नहीं हो रहा है, तो और एक मेथड भी आप ट्राई कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आपका गूगल क्रोम ब्राउज़र को रीसेट करना पड़ेगा, यही है इसका फाइनल सॉल्यूशन। रीसेट करने के लिए थ्री डॉट्स पे क्लिक कीजिए, सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में आपको लेफ्ट पैनल में ऑप्शन मिलेगा एडवांस का, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको और भी ऑप्शन जो है देखने को मिल जाएंगे। वहीं पे उसी के नीचे लास्ट में आपको रीसेट का ऑप्शन मिलेगा, जस्ट उस पर क्लिक कीजिए और आप अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र को जो है दोस्तों रीसेट कीजिए। रीसेट करने के बाद चेक कीजिए, हो सकता है आपका जो इशू है सॉल्व हो जाएगा। इन केस इससे भी अगर आपका इशू सॉल्व नहीं हो रहा है, तो फाइनल मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपका जो गूगल क्रोम ब्राउज़र रहता है, आप अपने पीसी से उसको जो है अनइंस्टॉल कीजिए। अनइंस्टॉल करने के बाद फिर से आप उसको जो है दोस्तों रीइंस्टॉल कीजिए। रीइंस्टॉल करने से 100% आपका जो इश्यू है सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। तो ये है दोस्तों कुछ इजी और सिंपल मेथड इस इश्यू को फिक्स करने के लिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको कौन सा वाला मेथड वर्क किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। मिलते हैं इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। Thank you very much.